पतिदेव हैं उनके शरीर छोड़ दिया है और उनके जो मतलब सब कुछ करके गए हैं, बच्चों की शादी वादी भी करके गए, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा मतलब कि वो पाप कर्म है कि हमें छोड़ के चले गए, या हमारे बच्चों का पाप कर्म है जो हमें बीच से ही छोड़ के चले गए, ये तो। हाँ देखो, अगर माता जी ने एक टॉपिक था मुझे सुनाना था कि आपको पता होना चाहिए मनुष्य 3 प्रकार से शरीर छोड़ता है। हर एक मनुष्य 3 प्रकार से शरीर छोड़ सकता है। एक है जनरल डेथ, मुझे इस शरीर में 50 साल रहना है, 50 साल हुए एक सेकंड के अंदर शरीर छोड़ता है, और जहां 4 महीने का गर्भ तैयार है एक सेकंड में दूसरे शरीर में जाता है, ये आम मौत कहते हैं जनरल डेथ। और एक डेथ है मरण है, मुझे 50 साल शरीर में रहना चाहिए, डॉक्टर ऑपरेशन करते करते गलत हो गया, रास्ते पर जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, शरीर टूट गया, खत्म हो गया, क्या करें, और 10 साल बाकी है, 50 साल रहना था, 40 साल में एक्सीडेंट हो गया तो दूसरा गर्भ तैयार नहीं, शरीर तैयार नहीं हुआ, तो आत्मा कहां जाएगी, तो वो आत्मा भटकती है। उसको भारत में 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, रघुर्वेद, यजुर्वेद, मंत्रों उनके अंदर मंत्र है, तब कहते हैं ब्राह्मणों के तन में आत्मा को बुला के श्राद्ध खिला देते हैं, तो ये भी विधि है, तो वो आत्मा। तीसरा और एक दैत्य है, बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, दुख हो गया, क्या करता है, जानबूझ के हत्या कर लेता है, सुसाइड करता है, शरीर को खत्म किया, आत्मा के अंदर तो दुख है, शरीर को दुख नहीं, तो वो शरीर छोड़ के कहां जाएगा, शरीर तैयार नहीं, तो वो उसको कहते हैं दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, भूत आत्माओं ने प्रवेश किया। ऐसी 3 प्रकार की व्यवस्था होती है जाना शरीर छोड़ने की। अभी प्रश्न आया, माता जी पूछ रहे हैं तो उनका पीरियड था, वो छोड़ के ना, वो अपने आप शरीर छोड़ा नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी ने जानबूझ के किया नहीं, तो क्या हर एक का पीरियड है, कोई बच्चा जन्मते ही चला जाता है, उसके अपने कर्म, वो 5 साल का टेप रिकॉर्ड में कैसे भर के ले गया, 5 साल रहेगा, कोई 50 साल रहेगा, कोई 80 साल रहेगा, जैसे उतने एक कैसेट के अंदर गीत भरा है वो प्ले करेगा, वो आपके अनुसार है, उसको हाथ में वो छोड़ के जाना नहीं चाहता। कोई भी कहे मुझे बहुत बीमारी दर्द हो रहा, मैं शरीर छोड़ता हूं, छोड़ सकते हो, नहीं। कोई चाहते मैं शरीर बहुत अच्छा, मुझे कोई बीमारी, मैं 100 दिन 2 साल रहता हूं, तो रह सकते हो, तो अपने हाथ में नहीं है। जैसे आपने कर्म भरा हुआ है संस्कार, उसके अनुसार, जैसे एक सीढ़ी 90 मिनट की सीढ़ी है, आपने 5 मिनट रिकॉर्ड किया है, 50 मिनट रिकॉर्ड किया, ऐसे चलेगा, टेप रिकॉर्डर में गीत डालो तो 5 मिनट गीत बजेगा, बाकी खाली, 50 मिनट गीत भरा 50 मिनट बजेगा, जो भरा वो बजेगा, अरे उसने जितने कर्म करके उतना बजाया, लेकिन उसने यहां कुछ गलत नहीं किया, एक है एक्सीडेंट से नहीं गया, जानबूझ के नहीं किया, तो अपना समय हो गया, चला गया, जाते 1 मिनट में उसको दूसरा शरीर मिलता है, तो दूसरा शरीर तो आपका बेटा नहीं हो, आपका पति नहीं, इसके पहले जन्म में दूसरा पति था, अभी इसके जन्म में इसके बाद दूसरा पति होगा, लेकिन वो भगवान का बच्चा है। अगर आप बैठ के उनके लिए सोचेंगे, उनके लिए गलत सोचेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, तो आपका आवाज उस आत्मा को पहुंचता है, तो आप उस आत्मा को दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो, तो आपके पास सुख कैसे देंगे, अगर आप उनके लिए क्या हुआ ऐसा हुआ वैसे हुआ रोते रहेंगे, दुख सोचेंगे, तो आपका आवाज तो जाएगा, तो आप क्या देना चाहते हो, सुख कैसे देंगे आप, सुख भावना से। अब प्रश्न, सुख कैसे देंगे उस आत्मा को, यही कि वो मेरा पति नहीं, शिव बाबा भगवान वो आपका बच्चा है, आपने मेरे पास भेजा था, मैंने कोई दुख नहीं दिया, मैंने कभी गलत नहीं बोला, मैंने दुख नहीं दिया, तो उनका समय आपने उनको थोड़े दिन के लिए भेजा था, अभी आपने और उनके पास भेजा है, तो वहां वो बच्चा जन्म लेगा, बाबा उसको सुख दे दो, शांति दे दो, फिर भी आपको लगता है तो आप उनका फोटो रखो एक दिन घर में, और अच्छा खाना उनको क्या अच्छा लगता है बना करके भोग लगाओ, आपके मन में भावना क्लियर करो, उनको तो नहीं चाहिए, वो तो चला गया, आपको लगता है कभी कभी याद आता उनको ये अच्छा लगता था, उनको ये अच्छा लगता था, एक तरीका घर में फोटो रख कर एक दिन उनको जो अच्छा लगता बना के खिलाओ, भगवान या आपका बच्चा है आप इनको इच्छा पूर्ण करो, इनको खाना खिलाओ, ये एक किया। और भी आगे करना चाहते हो कि भारत में पता है श्राद्ध खिलाते हैं, है ना, तो अगर आप ज्ञान में चलते हो
तो दीदी से बात करो, दीदी वो भी ज्ञान में चले, कहीं भी बच्चा हो, उनको सभी आत्माओं को ब्राह्मणों को खिलाने से उनकी दुआएं मिलेगी। आप बहन जी को बताओ, बहन जी उनको सभी ये ब्राह्मण है, रोज ज्ञान योग करते हैं, तो उनको ब्रह्मा भोजन खिलाओ, तो उनकी दुआ, जैसे भारत के अंदर पता है ब्राह्मणों को खिलाना, बाहर वालों के तो पवित्र नहीं इतना, तो इस ब्राह्मणों को खिला सकते हैं ब्रह्मा भोजन एक दिन रख करके, तो 5 मिनट योग करते सभी, बाबा उस आत्मा को शांति की शक्ति दे, और ये पवित्र ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन खिलाओ, बहन जी को बताकर ये दो व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। हर चीज के निवारण चाहे ना, कारण और निवारण, तो वो अपने आप शरीर छोड़ के नहीं गया, हाँ किसी ने शरीर लिया नहीं, अपना समय, कोई 10 साल ले आता है, कोई बच्चा जन्म दे जाता है, कोई 50 साल के, कोई 80 साल के बाद शरीर छोड़ता है, कि उनके अपने कर्मों के अनुसार। मार्केट में 150 साल की सीढ़ी है, ये आत्मा 150 साल का रिकॉर्डिंग कर सकते हो, हर एक मनुष्य आत्मा की सीढ़ी के अंदर कितना रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, मैक्सिमम 150 साल, सत्युग में 150 साल है, तो उसके अंदर आपने 5 ही मिनट का गीत भरा, बाकी पूरे मिनट खाली, तो 5 मिनट के बाद आवाज आएगा खत्म। किसी ने 90 मिनट रिकॉर्डिंग किया तो 90 मिनट तक चलेगी, उसके बाद खाली, तब कहते हैं व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप, जो भरेंगे वो आवाज आएगा, तो उसमें आना आपका दोष ना उनका दोष, तो कहां भी गया वो भगवान का बच्चा है, आपका नहीं, ठीक है।